अभी लाल हवेली पर सैकड़ों अलीट के लोग और फोर्सेस जो हैं लाल हवेली के अंदर दाखिल हो गई हैं। ये मुझे और राशिद शफीक को गिरफ्तार करना चाहती हैं। ये इस्लामाबाद में भी कल इन्होंने कार्रवाई की कोशिश की। ये चादर और चार दीवारी का एहतराम है। हम किसी तोड़ फोड़ में ना शरीक हैं। हम सियासत अमन से करते हैं, असूल से करते हैं, दयानतदारी से करते हैं। लेकिन ये बदनसीबी है कि हालात को जानबूझकर खराब किया जा रहा है और इनकी ख्वाहिश है कि हम वो काम करें, वो बात करें जिससे कि कौमी नुकसान हो। हम मर जाएंगे, कभी कौमी नुकसान नहीं करेंगे। सियासत में हम इमरान खान के साथ हैं। अगर ये हमारा जुर्म है, इसमें हमारी गिरफ्तारी और कैद होती है, तो मैं भी और राशिद शफीक साहब भी दोनों हम तैयार हैं। और जो कुछ इस वक्त लाल हवेली में ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सरासर ज्यादती है, ये सरासर गैर कानूनी है, गैर आइनी है। सिर्फ कौम को बताना चाहते हैं कि हमारा जुर्म ये है कि हम किसी तोड़फोड़ में किसी भी गैर कानूनी बात में कभी शरीक नहीं हुए, लेकिन असूलों की सियासत की है और असूल के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे।